उत्तर प्रदेश के चुनावी रंग देखते समय हमें समाज के कई और रंग भी नजर आते हैं। हमें पता चलता है कि चुनावी मंचों से उछलने वाले जुमलों और नारों और जमीनी हकीकतों में क्या फर्क है। ऐसे ही बाराबंकी का चुनावी दौरा करते समय हम पहुंच गए रफी अहमद किदवई साहब की मजार पर। जी हाँ, रफी अहमद किदवई जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में संचार मंत्री हुए, जब उनका देहांत हुआ तो यहाँ पर चूंकि बाराबंकी के मसौली में ही उनका जन्म हुआ था तो उनके नाम पर एक स्मारक और उनकी मजार बनाई गई। इस मजार को देखने के बाद हमारी निगाह पड़ी खुले में, बागीचे में, दालान में, बरामदे में पढ़ते हुए बच्चों की ओर। जब वहां पहुंचे तो पता लगा किदवई साहब के नाम पे ही एक सरकारी स्कूल चल रहा है और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे खुले में बैठकर पढ़ रहे हैं। पहले हमें लगा कि शायद ये स्वेच्छा से यहाँ खुले में बैठकर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। हकीकत ये है कि 2 साल पहले इसी स्कूल में छत गिरने से एक बच्चे का हाथ टूट गया था। उसके बाद से इस स्कूल की छतें, दीवारें कमजोर ही हुई हैं और जगह जगह से उखड़ता हुआ पलस्तर इसकी गवाही भी दे रहा है। और इस वजह से कि फिर से कोई ऐसा हादसा न हो जाए, इस डर से ये बच्चे यहाँ खुले में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं और उनके अध्यापक खुले में बैठकर उनको पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। कौन सी कक्षा है मास्टर जी? सर थर्ड है। क्या पढ़ा रहे हैं? सोशल स्टडी पढ़ा रहे हैं। क्यों बच्चों, क्या पढ़ रहे हो बताओ? सोशल स्टडी पढ़ रहे हो? सोशल स्टडी क्या पढ़ रहे हो? सोशल स्टडी में जी पूछे हमारे हम आपका नाम बता दीजिए पहले। जी हमारा नाम राजिया बानो है जी, और हम पूछे हमारे जिले का नाम है जी बाराबंकी, और पूछ रहे हैं हमारे जिले में कितनी कौन सी नदियाँ हमारे जिले में है, आपको याद हुई बताइए जी। अभी तो लिखवाया है मतलब बता दो बेटा जी, याद है जी। गोमती नदी है और वो कल्याणी नदी है। ये कक्षाएं बाहर क्यों लग रही हैं मास्टर जी? सर कमरे जो है थोड़ा सा अंदर से गिरने वाले हो गए, छत की ना एक सब बच्चे के ऊपर गिर गई। कमरे गिरने वाले हैं, बच्चे पे छत गिर गई कब? ये थोड़ी 2 साल पहले। तो इसके सर देश की जो पहला मंत्रिमंडल चुने गया था उसमें जो मंत्री थे रफी अहमद किदवई साहब, उनके नाम पर बने हुए स्कूल में ये छत उखड़ी है जो 2 साल पहले बच्चों पर गिर गई थी और 2 साल से अभी तक बनी नहीं है। आप भी पढ़ाती हैं मैडम? आप हेडमास्टर हैं। आप ये बताइए कि ये कक्षाएं सब बाहर लग रही हैं, इसके लिए कुछ बात नहीं होती है यहाँ पे? सर बात हुई थी इसमें, अवसर में 2 कमरे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थे। कब से है ये? तो 2 साल पहले गिरा था, क्या 2 साल से अभी तक कुछ नहीं बन पाया? लेकिन ये बताइए कि जब बच्चों का भविष्य ही सुरक्षित नहीं है पढ़ेंगे तो ये नेता लोग जो बड़ी बड़ी बात करते हैं इसका क्या मतलब है? चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बताइए। नहीं है, इस पे बात चल रही है, इसका काम हो रहा है। अच्छा, तो ग्रांट के लिए बात नहीं की कुछ शासन से? आप पढ़ाते हैं यहाँ पर, आप हेडमिस्ट्रेस हैं, तो इस तरह से ये बच्चे बेचारे बाहर खुले में बैठने को मजबूर हैं। 2 साल पहले छत गिरी, बच्चे को लग गई थी, है ना? एकदम निकली तो उन्होंने बाहर बैठाना शुरू कर दिया, अंदर नहीं बैठाया। ये स्कूल के वो गलियारे जहाँ पर देश के नौनिहालों का भविष्य संवरना था, जब हम लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहां से थोड़ी सी दूरी पर बाराबंकी में आ जाते हैं, वहां जैतपुर विधानसभा का ये इलाका है और वहां पर हालत ये है कि नई इमारत बननी थी वो बनी नहीं है, पुरानी इमारत की छत गिरी है उसको देखने वाला नहीं है और वहां नेताओं के नारे और विकास के वादे जारी हैं। मिड डे मील बराबर आ रहा है, क्वालिटी ठीक है? हाँ सर, क्वालिटी ठीक। तो मिड डे मील मिलने के बाद भी बच्चे इतने कम क्यों हैं? नहीं सर, हम लोग लगभग ठीक है, लेकिन आज का शादी वाली से काम से शादी में खाना मिल जाता तो यहाँ खाने नहीं है। क्यों मैडम? अच्छा, यास्मीन जी ये कौन सी स्कूल है, किन बच्चों को पढ़ा रही हैं आप? कितने बच्चों की क्लास? सेकंड क्लास के हैं बच्चे। दूसरी के हैं? क्या पढ़ रहे हो बच्चों? अच्छा, क्या बनना चाहते हैं बड़े हो गए? पुलिस। कौन बोला? क्या है नाम बताओ तुम्हारा? आलोक। अच्छा, पुलिस क्यों बनना चाहते हो? बनना चाहते हैं। गुंडे को पकड़ना चाहते हो? अच्छा बताइए, देश का प्रधानमंत्री कौन है?
अखिलेश यादव तो यहाँ के मुख्यमंत्री हुए, देश का प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं हम। भारत है और प्रधानमंत्री कौन है? जमशेद किदवई प्रधानमंत्री हैं। लो प्रधानमंत्री नहीं पता तुमको, हाँ तो फिर तुम बोले नहीं मोदी। और मुख्यमंत्री कौन है? तो जो विकास के वादे हैं, जो विकास के नारे हैं, उनके बीच में ये देश का भविष्य खुले में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है, क्योंकि उनकी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। यहाँ से केवल लगातार सूचनाएं जा रही हैं, आवेदन जा रहे हैं कि स्कूल की मरम्मत करा दीजिए ताकि बच्चे क्लासरूम में बेंच पर बैठकर पढ़ाई कर सकें, लेकिन उस आवाज़ को, उन दस्तखतों को, उन आवेदनों को देखने वाला शायद लखनऊ में कोई नहीं है। चुनाव पूरे हो जाएंगे, वही या कोई नई सरकार लखनऊ में बैठ जाएगी। वहां कुछ बदले ना बदले ये पता नहीं, लेकिन यहां कुछ बदलेगा का नहीं, इसका भरोसा इन बच्चों को भी नहीं है। और यही बच्चे आगे जाकर इस देश का निर्माण करने वाले हैं। और जब वो इस तरीके से खुले आंगन में बैठकर पढ़ने को मजबूर होंगे तो किस तरह के देश का निर्माण करेंगे, ये हम सब सोच सकते हैं। क्या ये इतना मुश्किल है कि इन बच्चों को ढंग की छत नसीब हो जिसके नीचे बैठकर ये पढ़ सकें?